हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी कैफे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड से आई रिक्रूटमेंट की डिटेल्स के बारे में। इस वीडियो में आपको पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सभी डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में दी गई जॉब की डिटेल्स जानने के लिए आप स्टडी कैफे डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी विजिट करके चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रिक्रूटमेंट की डिटेल्स क्या क्या गिवन है। यहाँ पे BECIL ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है ये सीनियर कंसल्टेंट और इन प्रोजेक्ट एविएशन, कंसल्टेंट इन फाइनेंस इंजीनियरिंग सर्विस और डाटा एंट्री जॉब और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए निकाली गई है। यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की 14/7/2022 है। और अगर हम लोग एज क्वालिफिकेशन और सैलरी की बात करें तो सीनियर कंसल्टेंट इन प्रोजेक्ट के लिए जो एज यहाँ पे मांगी गई है वो 70 ईयर्स है और क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्लानिंग और बिजनेस मैनेजमेंट में होनी चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स और या फिर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पे जो रहेगी वो करीबन 20 लाख के करीब रहेगी। और अगर सेकंड पोस्ट की बात करें सीनियर एडवाइज़र कंसल्टेंट इन एविएशन में तो एज यहाँ पे जो लिमिट रहेगी वो 70 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या फिर साइंस और मैनेजमेंट में मांगी गई है। सैलरी जो यहाँ पे रहेगी वो 10 लाख रहेगी। और थर्ड पोस्ट जो है वो एडवाइज़र कंसल्टेंट के लिए है, यहाँ पे जो एज लिमिट रहेगी वो 70 ईयर्स है और क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और साइंस। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 75,000 सैलरी है। कंसल्टेंट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट 70 ईयर्स है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंट्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस और मैनेजमेंट में होनी चाहिए। सैलरी जो यहाँ पे रहेगी वो 75,000 के करीब रहेगी। हम लोग आगे चलते हैं अपनी दूसरी पोस्ट के साथ में, कंसल्टेंट इन इंजीनियरिंग सर्विस में यहाँ पे जो एज लिमिट गिवन है वो 70 ईयर्स है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग साइंस और मैनेजमेंट यहाँ पे मांगी गई है। सैलरी 85,000 के करीब रहेगी। सिक्स पोजीशन जो है वो कंसल्टेंट के लिए है और यहाँ पे जो सैलरी रहेगी वो 70 ईयर्स होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स या फिर चार्टर्ड अकाउंट में होनी चाहिए। और सैलरी जो यहाँ पे रहेगी वो 1,165,500 के करीब रहेगी। और जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें यहाँ पे तो मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में और सैलरी 35,500 के करीब होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स गिवन है, क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में या और सैलरी यहाँ पे जो रहेगी वो 25,000 रहेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 45 ईयर्स एज लिमिट है और यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए और सैलरी की बात करें तो 20,000 के करीब रहेगी। कैंडिडेट्स BECIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स जानने के लिए आप स्टडी कैफे डॉट इन पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप ऐसी ही नोटिफिकेशन के साथ अपडेट होते रहें। थैंक यू।